नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं इस देश के बेहद युवा और बेहद गुणी कलाकार राहुल मिश्र। राहुल का अपना जो परिचय है, अपना जो अपनी जो साधना है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जिस परिवार से ये आते हैं वो परिवार भी बेहद खास है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो अभी तो आपसे मतलब उस परंपरा के बारे में बात करें और वो इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में करेंगे। पहले तो मुझे यही बताइए कि ये आपका तबला सीखना कैसे शुरू हुआ था? कोई मतलब ऐसा था क्या कि अगर नहीं सीखेंगे तो पिटाई होगी, सीखना ही पड़ेगा? या नहीं था, मतलब खुद से जाके कहा कि नहीं पिताजी और दादी से कि आइए? नहीं, देखिए मेरे साथ ऐसा रहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पिता पंडित राम कुमार मिश्रा जी कॉन्सर्ट तो उनके इतने सारे रहते ही हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खुद से ये ऐसा मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि मैं खुद से तबले में हाथ, जैसे कि माहौल होता है घर में, जब पापा आते थे कॉन्सर्ट से, जब मैं छोटा था सिखाते थे लोगों को और कॉन्सर्ट वगैरह करते थे, तो मैं खुद से तबले में हाथ रख दिया और बजाना स्टार्ट किया। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि अरे वाह, जो जैसा वो मुझे बताते हैं, फिर उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो फिर दादा ने मुझे, वो चाहते थे कि उनके बेटे ने तबला किया तो मैं गाना करूं, कोई उस चीज को भी आगे लेके जाए, तो उन्होंने गाना स्टार्ट करवा दिया और पिताजी ने तबला। बट धीरे धीरे मेरा ध्यान तबले की तरफ ही जाता गया और ये, और कोई दबाव ऐसा कुछ नहीं था घर से, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने खुद से ही चुना और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फील्ड को करना। और कभी ऐसा भी हुआ कि मतलब बीच में ऐसा कोई समय आया क्या जब तबले में इतना ज्यादा घुस गए कि डांट पड़ी कि पढ़ाई नहीं करते, या पढ़ाई में इतना ज्यादा घुस गए कि डांट पड़ी कि तबला नहीं करते? नहीं, ये तो शुरू से था कि बस अगर तबला कर रहा हो तो उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ के तबला ही करो। मतलब पढ़ाई का दबाव नहीं घर रहा कभी? नहीं, पढ़ाई का दबाव कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। उन्होंने बोला तबला करो, ज्यादा अच्छा करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, कितने बार तो मैं स्कूल जब नहीं जाता था तो उसके बदले मुझे डांट तो ऑफकोर्स पड़ती थी कि नहीं जा रहा, बट अगर मैं तबला बजा लूं, अगर स्कूल आपके स्कूल के टाइम होते थे 8 से 2 कुछ लाइक दिस, तो अगर मैं उसमें 2-3 घंटे अगर तबला बजा लूं तो वो ज्यादा खुश हो जाते थे घर वाले। अच्छा ये बताइए कि ये बात मैं भाई साहब से भी पूछ रहा था, राम कुमार जी से, आपसे भी पूछता हूँ कि जब जी, दादाजी यानी अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि राहुल इस देश के बेहद सम्मानित बेहद गुणी कलाकारों में से एक, बहुत बड़ी पहचान है भारतीय संगीत की, पंडित छन्नूलाल मिश्र, उनके पुत्र हैं राम कुमार मिश्र जी और उनके बेटे हैं राहुल। तो राहुल, ये दादाजी से डांट नहीं पड़ी कि एक तो यार मैं इतना अच्छा गाता था, बेटा भी तबले में चला गया, तुम भी तबले में जा रहे हो, तुम तो रुको, तुम तो जरा हमारा आगे काम करो, बढ़ाओ? नहीं, ये डांट मुझे अभी भी पड़ती है, कभी कभी सुनने को आता है। कहते हैं दादा, क्योंकि जैसा कि मैं बता दूं, मैं और मेरे दादा, एक दादा पोता से ज्यादा हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप है।
मैं अभी मुझसे भी कोई पूछता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर मैं बोलूं तो वही है, और वो आज भी कहते हैं कभी कभी कि अरे यार तुम भी गाना नहीं किए, तो वो उनको ये रहता ही है बात, बट क्या कर सकते इसमें, वो तो रहता है, उनको कहते हैं जितने अच्छा राहुल, एक एक बड़ा जी। प्रैक्टिकल प्रश्न है, ये बताइए कि देखिए, हर हर कलाकार की एक पीढ़ी होती है। आप जिस पीढ़ी में आए, उस पीढ़ी में बहुत सारा आपने एक्सपोजर था, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जी जी फिल्म जी जी म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं। पिताजी ने प्योर तबला कहा कि नहीं, मुझे तबला सीखना है, क्योंकि ऑब्वियसली माँ, सब लोग जानते हैं कि माँ का परिवार अनोखे लाल जी की बेटी आपकी दादी हुई, तो वो एक दादी अलग अलग एक परंपरा थी। लेकिन आपने नहीं सोचा कि यार तबला बजाकर शायद मैं वो इज्जत, शोहरत, पैसा ना हासिल कर पाऊं जो अगर मैंने गायकी की, तो गायकी में कंफर्म है कि दादाजी का नाम है और बहुत बढ़िया मेरे पास परंपरा है, मैं वो सीखूंगा तो मेरे पास पैसा भी ज्यादा आएगा, शोहरत भी ज्यादा आएगी और सम्मान भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा कभी थॉट प्रोसेस दिमाग में आया क्या? आया आया बिल्कुल, ये मैं गायकी का ही नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेन कलाकार, मेन कलाकार जो भी है, ये आया था एक समय, ऐसा हुआ भी था कि मेन कलाकार होना ज्यादा अच्छा है और ज्यादा उसमें पैसा है और हर चीज है, मैंने ऐसा सोचा क्योंकि मैंने जैसा देखा, बट मेरा ये सोचना था कि अगर ऐसे ही लोग सोचेंगे और नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे होगा, और ऐसा नहीं है अगर आप करते हैं, अगर अच्छा करते हैं आप तो मिलता है कम करके ही, मगर कम 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 करके वो फिर अगर आपका नाम होता है वो, देखिए नाम के हिसाब से, तो मैंने भी यही सोचा। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं बीच में तबला तो मैंने किया ही हमेशा, बीच में मैं थोड़ा स्पोर्ट की तरफ भी मेरा ध्यान ज्यादा चला गया था, मेरी दूसरी एक्टिविटी जिसको कह सकते हैं आप, मेरा क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, तो उसमें भी जब मैंने किया तो जब मेरा ध्यान वहां चला गया, ऑफकोर्स यही बात आपने जैसा बोला फेम और पैसे की वजह से, तो मैं बहुत अच्छा करने लगा, मेरी सिलेक्शन भी हो गई, मैं अंडर 18 तक भी खेला, तो उसके बाद सिर्फ मैंने ये सोचा कि मेरे घर में जो चीज चलता आ रहा है कि एक ऐसा चीज लेके चल रहे हैं जो कि हमारा धरोहर है, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो अगर मैं नहीं करूंगा तो आगे आने वाले समय पे हम, मैं मीन्स हमारे जितने यंग लोग हैं, हम जितने यंग लोग हैं, अगर यही सोच के इसको छोड़ते गए पैसा के लिए और नेम के लिए, तब तो ये खत्म हो जाएगा, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, और मेरे पिताजी ने एक चीज बोला था, देखो तुमको जो भी करना है, जैसा कि आपने बोला दबाव कुछ नहीं था, जो भी करना है करो, तुम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, उनको मैंने बताया भी था कि ये बात है, उन्होंने बोला जो भी करना है करो, बट एक बात याद रखना तुम कौन हो और तुमको क्या करना है, ये याद रखना तुम कौन हो, मीन्स किसके घर से हो, और तुम भी जैसा कि वो एक बेटे हैं, मैं भी एक ही हूँ, और तुमको ये लेके अगर चलोगे तो वरना खत्म हो जाएगा तुम्हारे, तुम नहीं करोगे तो इस घर से खत्म हो जाएगा, दुनिया से तो नहीं, मैं घर से खत्म हो जाएगा हमारा नाम वगैरह, तब मैंने ये सोचा, बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं, ये यही करना है मुझे, तबला ही करना है और अच्छा है। मैं जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको बताना चाहूंगा, जिस घर की ये बात कर रहे हैं या जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, इसके एक पक्ष को हमने बताया आपको कि इनके दादाजी यानी पंडित छन्नूलाल मिश्र, अब इनकी दादी जी के बारे में भी बता देते हैं। तबला के मतलब विश्व में जो सबसे ज्यादा चुनिंदा नाम भारत के तबला वादकों में आता है, उसमें पंडित अनोखे लाल मिश्र जी का नाम आता है, और वो उनकी जो बेटी यानी छन्नूलाल जी की पत्नी और यानी राहुल की दादी जी। राहुल, ये इतने बड़े बड़े कलाकारों के परिवार में जब आप जन्म लेते हैं, तो कोई एडिशनल प्रेशर रहता है क्या? मतलब जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब आप अगर रोहन गावस्कर हैं या आप अर्जुन तेंदुलकर हैं, तो मतलब आधा दिमाग तो इसी में रह जाता है कि यार पापा का नाम खराब नहीं होना चाहिए या दादा का नाम नहीं खराब होना चाहिए। देखिए मैं इसमें एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बड़ी बात, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत दबाव रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, कुछ लोग मेरे जनरेशन के जब आते हैं, हम लोग यंग जनरेशन बैठते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम कितने लक्की हो, तुम कितने लक्की हो कि तुम्हारे पापा इतने बड़े हैं, तुम्हारे दादा इतने बड़े हैं और तुम इस घर से हो, तुम्हारे नाना लक्की हो, लक्की हो, बट मैं मानता हूँ, देखिए लक्की मैं इसलिए मानता हूँ कि इस घर में मुझे भगवान ने मौका दिया कि इस घर में मैं हुआ, बट इसका बहुत बहुत बड़ा दबाव रहता है क्योंकि लोग आपसे आपसे फिर उनको कुछ अलग चाहिए होता है, दूसरे लोग जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता वो जो भी करेंगे वो है, वो कुछ भी करेंगे, जैसे कि कोई भी नाम, अगर कोई रोहित है, कोई अजय है, कुछ भी नाम है, वो जो भी गाना बजाना करेगा
लोग उससे कंपेयर करेंगे, अच्छा कर रहे हैं अभी और सीखने की जरूरत है। बट हम, मैं कुछ भी करता हूँ, और जो हमारे कुछ भाई हैं हमारे जो कि कलाकार फैमिली से हैं, हम कुछ भी करते हैं सीधे कंपेयर हो जाते हैं। तो ये तो देखिए बहुत दबाव रहता है, और फिर बजाते समय भी डर लगता है कुछ ऐसा ना हो जाए कि पापा दादा को, पापा दादा खुद भी कहते हैं देखना हमारा नाक नहीं कटना चाहिए। तो मतलब ये दिक्कत दबाव बहुत ज्यादा रहता है। दिक्कत ये कि मतलब अगर राहुल ने बहुत अच्छा बजाया तो लोग कहेंगे हाँ राहुल नहीं अच्छा बजाएगा तो कौन बजाएगा। मतलब पंडित जी की परंपरा जी रही जी है, जी राहुल को तो अच्छा बजाना ही चाहिए, और गलती से कहीं एकाध जगह कुछ मिस्टेक हो गई तो फिर तो राहुल को जितने ताने सुनने पड़ेंगे उतने मतलब किसी को नहीं सुनने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे मत करिए। आप लोग देखिए अभी एक छोटी सी ब्रेक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा घर का जो है एक फिंगर का नादिन दिनना है, वो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब मैं वो पिताजी के साथ, हमारी जब जुगलबंदी होती है पिताजी के साथ, तो जब मैं बजाता हूँ तो उनके जितना तो नहीं कर पाता, आप तो जानते हैं एक फिंगर, वन फिंगर नादिन दिनना, वो हमेशा मुझसे ऐसे रहते हैं नादिन में। और ऑफकोर्स रहेंगे, वो मेरे पिता है, बट जो लोग रहते हैं ऑडियंस रहते हैं वो ऐसा है जो वो कहते हैं कि पिता का तो ज्यादा था। अरे उनका नहीं रहेगा तो किसका रहेगा, ऑफकोर्स उनका नादिन दिनना ज्यादा रहेगा। आप ये नहीं देख रहे कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, आप उसको कंपेयर करिए, उनसे नीचे हूँ मगर वो भी तो स्पीड है, वो भी तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सीख रहा हूँ अभी भी, वो कोशिश कर रहा हूँ। लोग ये नहीं देखते, सीधा कंपेयर कर देते हैं, अच्छा, पिता का फास्ट है। अरे वो पिता है, गुरु है, एज डिफरेंस है, हर कुछ है वो। तो अच्छा ये राहुल बात तो देख सिर्फ के रहता है। सिर्फ पिताजी से ही सीखा या आपको और भी मतलब दादी ने भी थोड़ा बहुत सिखाया या ये सौभाग्य मिला जी जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिला मुझे, पिताजी ने सिखाया, सिखाए रहे अभी तक, और दादी ने भी मुझे सिखाया। अब तो वो नहीं रही, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, नाने के नाना का कुछ बोल और कायदे कुछ टुकड़ा वो सब बताया दादी ने। और मुझे दादा ने अपने साथ संगत सिखाया कि संगत कैसे करें, क्योंकि देखिए तबला बजाना अलग है, जैसा कि मेरे पिताजी भी कहते हैं, संगत अलग है और सोलो अलग है। सोलो बहुत आसान है बजाना, अपना रियाज अपना मेहनत करके कोई भी कर सकता है सोलो बजाना, सिर्फ आपको रियाज करना है और सामने दिखा देना है। बट इम्पोर्टेंट होता है संगत कैसे बजाएं, कैसे सीखें, तो उसमें दादा का भी बहुत बहुत सिखाते हैं, मुझे आज भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और राहुल के पिताजी यानी पंडित राम कुमार मिश्र तो इस देश में संगत में मुझे लगता है कि जो भारत के व्यस्तम कलाकार होंगे वो उन कलाकारों में से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यस्त होना उतनी बड़ी बात नहीं, जितना उनको स्नेह जितना प्यार बड़े बड़े कलाकारों का मिला है। 40 साल तक उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ बजाया, जसराज जी के साथ बजाते हैं, हरिप्रसाद जी के साथ बजाते हैं। मतलब इस देश का जो भी बड़ा कलाकार का जो टैग लगा हुआ है या महान कलाकारों का जो टैग लगा होता है जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं आदर देते हैं, वो प्यार और सम्मान वो कलाकार देता है पंडित राम कुमार मिश्र जी को। और हम लोग तो खैर मतलब एक तरीके से कह लें परिवार भी हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी भैया ने बजाया है। राहुल एक चीज और बताइए कि जब आपका आपकी जो जनरेशन के लोग हैं उसमें जाहिर सी बात है हर कोई तो तबला नहीं बजा रहा होगा, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ खेल रहे होंगे, कुछ अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है एक्टिंग वैक्टिंग की भी कोशिश कर रहे हो। सब कहते नहीं कि यार ये तुमको क्या हो गया था, मतलब कुछ और कर लेते, ये तबला बजाना मतलब पापा ने बजाया दादा ने बजाया तो दादा गाते थे तो वो पापा ने बजाया तुम भी वही कर रहे हो, कुछ नया कर लो, ऐसा कभी कोई कहता है या कहते नहीं यार बड़ा बढ़िया कर रहे हो? नहीं, पहले बहुत मेरे फ्रेंड लोग ने बहुत कहा कि, तो उनको लगता था असल में ये प्रेशर है कि कंटिन्यू, जब मैं कहता था कि हमारे घर में 1000 साल से चलता आ रहा है, तो कुछ लोग तो वाह वाह करते हैं, अरे वाह 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 वाह, कुछ लोग कहते हैं अच्छा दबाव हो तुमको, तुमको यही करना है। बट ऐसा नहीं, देखिए मुझे घर से कोई दबाव नहीं हुआ, मैंने खुद से चुना और लोगों ने कहा, ऑफकोर्स कहा, बट मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं अगर करूंगा तो वो जितना, अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन करता जाएगा, हम जो एक पीढ़ी का होता है, तो ये रहेगा कि वो चलता जाएगा आगे, तब अच्छा तक ये बच सकता है, थोड़ी उम्मीद है। राहुल एक चीज और बताइए, आप एक यंग जनरेशन के कलाकार हैं और अपनी मॉडेस्टी में ही यानी यानी देखिए ये कला तो बहुत बड़ी मतलब समुद्र है, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय वादन हो या फिर नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, ये सब अपने आप में एक समुद्र की तरह आप डूबते जाएंगे, आपको नई नई चीज मिलती जाएगी। बिल्कुल लेकिन आपको लगता है कि कौन सी एक ऐसी उम्र आती है या कौन सा ऐसा एक रियाज करने के बाद ऐसा कौन सा पल आता है जब आप ये कह सकते हैं कि नहीं यार अब मुझे ये बजाना आता है, अब मैं तबला बजाना जानता हूं, अब मैं इस वाद्य यंत्र को जानता हूं
और अब मैं इसको अपने हिसाब से बजा सकता हूं, अब मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। अब ये मेरे अधीन है तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक वाद्य यंत्र है, लेकिन अब मैं इसमें इतना तो सीखा हूं मैं इतने साल में, कि 10 साल में या 5 साल में इतना तो मैंने सीख लिया है कि अब मैं इसको अच्छे से बजा सकता हूं। देखिए, इसमें मेरा तो ये मानना है कि ऐसा तो अभी तक नहीं है, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई उम्र नहीं होगा कि ये कोई इंसान ये कह दे कि अब मैं बजा सकता हूँ, बजा लूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे कि मैं यंग जनरेशन हूँ, बट मुझसे भी कुछ जो 5 साल 10 साल छोटे हैं, तो हम बड़े जैसे कि बड़ों से भी सीखते हैं, उनका सुनते हैं तो बिल्कुल सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो मुझसे भी 5 साल 10 साल छोटे हैं, वो इतना कमाल कोई कोई चीज करते हैं तो शॉक हो जाता है। अच्छे कि जैसे कि जो चीज मैं उनसे 10 साल पहले से कर रहा हूँ, वही चीज सेम चीज उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। तो जब कभी कभी ऐसा लगता है, लगता देखिए सभी को है कि हाँ आज देखो आज आज हमने कुछ किया आज ऐसा, तो जैसे ही लगता है तो फिर जब सुनते रहते हैं यूट्यूब वगैरह में तो तुरंत वो भी हो जाता है कि नहीं, अभी अभी और अभी और वही अभी और करते करते इस फील्ड में उम्र निकल जाती है, इस अरे संगीत के फील्ड में। इसी सवाल को मैं आपसे क्रिकेट के हिसाब से पूछता हूँ। सचिन तेंदुलकर अच्छी फॉर्म में है तो वो कहते हैं मैं कवर ड्राइव मारूंगा और 4 फील्डर लगा दो ऑफ साइड में, उनके बीच से गैप निकाल के चौका मार के दिखाऊंगा। वसीम अकरम कहते हैं यार मैं ये बॉल तो 4 आउटस्विंग फेंकूंगा और देखना, मतलब टप्पा खा के जब निकलेगी बाहर तो बैट्समैन देखता रह जाएगा, उसको हवा नहीं लगेगी। क्या किसी भी शास्त्रीय कला को सीखने में ये स्टेज आती है जहां पर मान मान लेते हैं कोई एक कायदा है या कोई एक टुकड़ा ही है या कोई एक ताल है जिसमें आप ये मानते हैं कि यार आप आज तो ये मैं जो बजाऊंगा ना फिर वो कोई और बजा नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस आता है? देखिए इसके लिए मैं दो चीज बोलूंगा। एक चीज, जब मैं स्टेज में बैठता हूँ, पापा ने बोला ऐसा कि जब स्टेज में बैठो तो सब कुछ भूल जाओ और समझो आई एम द बेस्ट, ये तुमको सोचना है। और स्टेज से उतरते ही ये समझ जाओ कि तुम कुछ नहीं हो। तो जब बैठो, इनफैक्ट जब हम जुगलबंदी बजाते हैं तो पापा कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ तुम मेरा बेटा हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं कोई ये नहीं सोचूंगा तुम मेरे बेटे हो, तुमको एक्स्ट्रा बजवाऊं, तुम्हारे साथ ये करूं वो करूं, तुमको अपना खुद से निकालना है और उस समय तुम भूल जाओ मैं तुम्हारा फादर हूँ, पिता हूँ, मगर जब उतरो तब समझ जाना मैं कौन हूँ। ये एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ स्टेज में बैठने के बाद ये तो है कि ये समझना पड़ता है वी आर द बेस्ट। और अगर ये क्रिकेट से आपने पूछा तो क्रिकेट मैंने भी खेला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा सचिन तेंदुलकर का वो तो बहुत बड़े लोग है, बट मैं ये एक चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, भले ही वो कोई भी हो क्रिकेटर अभी तक के इतिहास में, क्रिकेट और म्यूजिक में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि अगर हम रियाज करते हैं, जैसे कि कोई टुकड़ा आपने बोला, हम अगर कुछ उसको रियाज करके जाते हैं, उसको अगर हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वो 100% बजेगा ही बजेगा। हमें पता है कि हम कर क्या है और हमें करना ही करना है, हमने उसको समय दिया है और वो बजेगा ही बजेगा। बट कोई भी क्रिकेटर ये नहीं कह सकता कि आज मैं 100 मार के ही आऊंगा, वो 10 घंटे भी प्रैक्टिस कर ले पहली बॉल में भी आउट हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये हमारे फील्ड में, इसमें ये संगीत में ये कि अगर आप उसको साधते हैं, आप उसको मेहनत करते हैं अच्छे से, उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बजाएंगे ही बजाएंगे स्टेज में, वो अच्छा होगा ही होगा। बट दूसरा चीज को मैं क्रिकेट का बोलूंगा ऐसा नहीं है बिल्कुल। और खैर मैं, आप चूंकि क्रिकेट खेले हैं तो आपको बता देता हूँ, सचिन हमेशा कहते भी हैं ये बात कि हर खिलाड़ी जब रोप के अंदर जाता है, मैदान के अंदर घुसता है, तो हर गेंदबाज सोचता है कि यार आज मैं 5 विकेट लूंगा या आज मैं शतक बनाऊंगा, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। आप हर बार ये काम कर नहीं सकते, अगर हर बार आप ये काम करते नहीं। तो सचिन तेंदुलकर के 100 नहीं बल्कि शायद 200-300 शतक होते, अगर वो हर मैच बिल्कुल बल्कि बिल्कुल ज्यादा ही होते क्योंकि इससे ज्यादा मैच उन्होंने खेले। खैर ये बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। ये और जरा एक चीज और बताइए, चूंकि मतलब आपके पिताजी से तो नहीं पूछ सकता था ये सवाल, ये जो बाल बाल रखते हैं तबले वाले कलाकार सब बड़े घने घने और बड़ा स्टाइलिश, इसकी क्या कोई खास कहानी है देखिए मतलब, या बस पापा ने रखा है या? इसकी यही कहानी है कि ये बाल जो है ये हमें हमारी पहचान देता है। जैसे कि हम अलग कहीं जाते हैं, अगर कुछ भीड़ में जाते हैं तो इस बालों से ये पता चल जाता है वो लोग जो हमें नहीं जानते, जो तबला नहीं जानते, जो संगीत के बारे में उतना नहीं जानते, क्लासिकल के बारे में, वो म्यूजिक के बारे में क्या, तो वो खुद से कह देते हैं आप कलाकार हैं। तो ये बस एक पहचान जिसको हम कह सकते हैं, ये पहचान और कोई ऐसा कुछ नहीं है, मेंटेन बहुत और करना आपकी पड़ता आपकी पहचान तो मतलब, हालांकि है बस शिव कुमार जी के बाल सफेद हो गए थे, वरना आपके बाल तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे बिल्कुल हैं।
और शिव जी तो मतलब तबला भी बहुत खूबसूरत बजाते थे, मतलब अरे अरे कमाल। उनका कोई तोड़ ही नहीं था। वो तो ऐसे भी कार्यक्रमों में गए जहां पहले उन्होंने आधे घंटे उनको बुलाया गया संतूर वादन के लिए, उन्होंने कहा संतूर बाद में जी जी बजाऊंगा, पहले आधा घंटा तबला बजाऊंगा। तो उनको आधा जी घंटा सच बात तबला है, बजाया बिल्कुल। उन्होंने, फिर संतूर बजाया। अच्छा राहुल, ये बताइए, चूंकि शिव जी की बात चल रही है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ पिताजी बजाते हैं, इवन दादाजी इन सब लोगों के बड़े अच्छे मित्र कह लें, इन लोग की आपस में हंसी मजाक भी होती है, इस बहाने जी आपको बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें, मैं इस चीज में मैं मानता हूं कि इतना मुझे फायदा हुआ, जैसे कि आपने बोला था ना, इस घर में पैदा होने से, तो पिताजी के वजह से और दादा के वजह से, जिन कलाकारों से, बड़े बड़े कलाकारों, जैसे कि आपने लोग नाम लिया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी, जसराज जी, अमजद अली खान जी, इन लोगों के साथ जिनसे लोग मिल नहीं पाते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो लोग मिल नहीं पाते उनके साथ मैं बचपन से, क्योंकि पिताजी मुझे बचपन से ही, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा है, मुझे पापा अपने साथ बचपन से ही ट्रेवल करा रहे हैं, बहुत छोटे से इससे, तो इन लोगों के साथ उठना बैठना और ऐसी ऐसी चीज शेयर करना, मैं क्या बताऊं, इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ, और मैं देखते हुए कह रहे हैं इनसे बड़े बड़े लोग नहीं मिल पा रहे। मैं उन कलाकारों को बता रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उनसे मिल पाते थे, हाँ, बड़े बड़े, ये ऐसे लोग थे जिनके साथ पापा ने संगत किया इतने सालों से, और उनके साथ हंसी मजाक, साथ में लंच करना, डिनर करना, जो मतलब ऐसा करना, और ऐसी ऐसी बातें हैं बचपन से, ये भी नहीं कि अभी पिछले 2 साल 4 साल, नहीं, बचपन से उनके साथ लगे रहना, उनके गोद में, मेरे पास कितनी फोटो है, उनके गोद में बैठा हुआ हूँ, वो मुझे खिला रहे हैं, और बहुत ऐसी ऐसी बातें, मैंने पंडित जसराज जी के पीछे बैठ के कितने बार तानपुरा बजाया है, मतलब मोर देन 100 कॉन्सर्ट, क्योंकि बचपन से ही वो जहां भी जाते थे मैं पापा के साथ जाता था, पापा के पीछे 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 पीछे, तो वो बोलते थे कि बैठ जाओ, बेटे को बैठा लो, तो मुझे बैठा ले तानपुरा पे, मैं बैठता था, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, जो कि अच्छे से अच्छे लोग को ये चीज नसीब नहीं होगा, हुआ होगा, ये मैं कह सकता हूँ, तो मुझे मौका मिला कि इस घर में पैदा हुआ मैं, और ये इतने बड़े बड़े लोगों को मैं देखा कि, और ये ऐसे लोग हैं जिनको आगे 100 साल बाद, जब तक मैं हूं, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि देखो मैंने इनको सुना, इनके साथ रहा, ये ऐसे विभूति रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ, मुझे बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य मिला मेरे बिल्कुल, और इन इन को। कलाकारों के साथ तो सही कहा आपने कि स्टेज पर बैठ के तानपुरा बजाना अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप को बहुत बरसों बरस याद रहेगी। अच्छा राहुल, आखिरी सवाल मेरा है, ये बताइए कि बार बार मैं यंग जनरेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, आपके जहन में कुछ ऐसा है कि ये जो परंपरागत तबला वादन है, या पिताजी चूंकि लगातार संगत को ही अपना प्राइमरी मानते हैं, संगत में ही उन्होंने इतना नाम कमाया है, तो आपके जहन में कुछ है कि मुझे संगत करना है, या कुछ ऐसा भी है कि नहीं, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हुए, मतलब तबले के अलावा भी जाकर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आपको प्रयोग करना हुआ, तो आपको ये तो डर नहीं है कि पिताजी से डांट पड़ेगी, ये है कि छूट मिल जाएगी, हाँ अंटिल अनलेस तुम कोई बहुत बड़ा खुराफात नहीं करने जा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर लो। नहीं, ऐसा है, मुझे बिल्कुल छूट मिलेगी, देंगे पिताजी, बट मेरा जैसा कि पिताजी कहते हैं और मेरा भी मानना है कि अगर तबला करना है, कुछ और कर सकता हूँ मैं वो छूट, जैसे कि मैं अभी एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, तो छूट मिली है, बट अगर तबला करना है तो तबला का देखिए कर्म और धर्म संगति करना है, कुछ और चलेगा नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, ये पिताजी भी कहते हैं और ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सबको, सब बड़े बड़े कलाकार जितने भी हैं तबला प्लेयर, अगर आपको तबला करना है तो, तबला करना है तो सोलो भी देखिए तबले में बज जाता है, लोग बजाते हैं इतना अच्छा, बट आप कोई एक कलाकार बताइए जिसको महीने में वो बोल दे कि मैं बस सोलो ही बजा रहा हूँ, क्योंकि संगति तो मेन है ना, जो भी कलाकार है वो मेन, महीने में अगर वो 20 डे भी अगर कॉन्सर्ट करता है तो उसमें से उसका 20 में से 15 संगति होता है, 5 सोलो होंगे, वो भी बहुत रेयर, तो अगर तबला करना है और आपको कुछ अच्छा नाम करना है और हिट करना है, जैसे कि आप जो बता रहे हैं चीज, तो वो तबले से संगति है और दूसरी चीज हिट नहीं होगी। चलिए राहुल, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं हमारी, आप खूब नाम करें उस परिवार का, जिस परिवार की अरे परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वाकई बहुत ही गुणी कलाकारों का परिवार है। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू जी, आपका क्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thank you.
क्या बात है बाबा, क्या बात।